एक सवाल है, माहाना तनख्वाह से कटौती करके जो रकम रिटायरमेंट के वक्त दी जाती है वो 19 लाख तक पहुंचती है, लेकिन उसमें सूद की रकम भी मिलाई जाती है जो तकरीबन 7 लाख रुपए है। इस तरह कुल रकम 26 लाख बनती है। लॉकडाउन की वजह से कंपनी इस रकम में से 7 लाख मुझे दे रही है, लिहाजा मैं ये 7 लाख कौन सी रकम समझूँ, सूद वाली रकम या असल रकम? मज़ीद ये कि सूद की रकम मुझे अभी अलग करनी है या मुकम्मल रकम मिलने के बाद? देखिए, सूद की रकम जब हमें क्लियर तौर पर पता चल गया कि हमारी अपनी जो रकम है 19 लाख है और बाकी रकम सूद की है, तो जब तक हमें 19 लाख ना मिल जाए गोया कि हमारी अपनी असल रकम बाकी है। 19 लाख मिल जाने के बाद की जो रकम हमारे पास आए उसे हम सूदी रकम समझते हुए और सूद के मसरफ में उसे चला दें। तो अभी जो भी हमारे पास रकम आ रही है ये हमारे 19 लाख में से 7 लाख समझिए हमें मिल गई, 12 लाख अभी हमारे बचे हुए हैं। जब वो 12 लाख भी मिल जाए तो उसके बाद जो कुछ भी आएंगे वो सूदी रकम होगी, तो उन्हें सूद के मसरफ में लगाते हैं।